हाई एवरी वन दिस इज पूजा होप यू आर ऑल डूइंग वेरी वेल सो लाइक द प्रीवियस वन वीयर बैक अगेन विद एनदर वीडियो फोकसिंग ऑन एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड प्लीज़ क्लिक ऑन द बेल आइकॉन एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल टू गेट नोटिफिकेशं सो लेट स्टार्ट बिना लेट के हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं तो कल जो वीडियो मेरी वॉच किए होंगे मैंने उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट इंपॉर्टेंट भी नहीं बोल सकती मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिपोजिशंस uh, के बारे में बताई थी कि जो अक्सर हम कंफ्यूज कर देते हैं जो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके साथ हमें यू विद uh, लगाना चाहिए तो हम उनके साथ टू लगाते हैं इस तरह से बहुत सारे प्रिपोजिशंस ऐसे होते हैं तो कल की वीडियो में एक बार मैं रिमाइंड करा दूँ आप लोग को मैं एंग्री एट एंग्री विद एंग्री फॉर आस्क फॉर आस्क फ्रॉम एफिलटेड टू एफिलटेड विद एनॉइड एट ए विद एग्री इन एग्री टू एग्री विद एग्री ऑन इस तरह से मैंने आपको प्रीपोजिशंस uh, बताए थे तो आज जो है आज मैं फिर से कुछ इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट नहीं बोल सकती मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशन बताने वाली हूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हम अक्सर क्या करते हैं उसमें गलतियां कर देते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि वो क्या है तो सबसे पहले हम जानते हैं मैरिड टू एंड मैरिड विथ ये बहुत ही कॉमन वर्ड है और हम हमेशा यूज करते हैं बट हम क्या यूज़ करते हैं कि कोई भी चाहे लड़का शादी करने वाला हो मतलब किसी से शादी किया हो या लड़की किसी से शादी किया हो हम सबके साथ क्या यूज़ कर, कर देते हैं विद यूज़ कर देते हैं बट ये पूरी तरह से गलत है इट्स टोटली रॉन्ग तो हमें ये जानना है कि किसके मतलब मैरिट तो ठीक है बट मैरिट के साथ हमें टू कहाँ लगाना है और विद किसके साथ लगाना है तो चलिए देखते हैं तो सबसे पहले हम जानेंगे मैरिट टू के बारे में मैरिट टू मैरिड टू क्या होता है अब वुमन ये हम वुमन के साथ यूज करेंगे गर्ल के साथ यूज़ करेंगे अब जैसे बहुत ही अब जाहिर सी बात है सब शादियों का सीजन चल रहा था अभी बंद है फोर्टीन जनवरी के बाद शायद फिर से स्टार्ट हो जाए तो हम लोग बोलते हैं ना कि हाँ वो पर्सन जो है इनके साथ शादी किया तो हम जैसे कि लाइक लड़के का नाम शिवम है और लड़की का नाम राधा है तो मुझे अगर बोलना हो शिवम वॉज मैरिड टू राधा यानी शिवम ने किसके साथ शादी किया राधा के साथ शादी किया तो वहां पे जो वुमन है मैं एग्जाम्पल लिख के समझा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है शिवम वॉज मैरिड टू तो राधा यानी शिवम किसके साथ शादी किया राधा के साथ शादी किया तो ये हम वुमन के साथ यूज करते हैं अगर टू का यूज हो तो टू हमेशा किसके साथ यूज किया जाता है वुमन के साथ सेम वही चीज अगर हम लड़के के साथ यूज कर रहे हैं तो अगर हम लड़के के साथ यूज करते हैं ये हमारे किस किसके किस लिए होते हैं a man, a boy, तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है एग्जाम्पल की मैरिड विथ शिवम तो अगर हम लड़की के लिए बोल रहे हैं कि लड़का किससे शादी किया जैसे लड़का अगर जाहिर सी बात है लड़की से शादी करेगा ना तो अगर लड़का किससे शादी किया तो रमेश वॉज मैरिड टू सरला तो वहां पे यानी जो लड़की है लड़की के साथ हम टू का यूज करते हैं और वही अगर हम लड़की मतलब लड़के से शादी कर रही है तो वहां पे विद का यूज करते हैं मतलब जो पर्सन रहेगा जो बॉय रहेगा मतलब जो मैन रहेगा रहे रहे उसके साथ हम विद का यूज करते जो हैं जो गर्ल रहेंगे उनके साथ हम टू का यूज करते हैं जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि राधा वॉज मैरिड विद शिवम तो यहाँ पे जो शिवम है इसके साथ क्या यूज हुआ है विद यूज हुआ है वही चीज आप पहले वाले एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था कि शिवम वॉज मैरिड टू राधा तो वहां पे राधा के साथ मैंने टू यूज किया था तो ये बहुत ही कॉमन वर्ड है बट बट हम हमेशा क्या यूज है करते हैं मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत तरीके से उसको बोल देते हैं अब हम नेक्स्ट वर्ड के बारे में जानेंगे कि नेक्स्ट वर्ड क्या है फिर नेक्स्ट हमारा आता है इंट्रोड्यूस इंट्रोड्यूस तो हम बहुत बार सुने हैं जैसे इंट्रोड्यूस योर सेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ तो ये तो ठीक है कॉमन है बट इंट्रोड्यूस के साथ कहाँ टू लगता है कहाँ इन टू लगता है ये हमें बहुत ही जरूरी है जानना तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं तो सबसे पहले आप किसके बारे में जानेंगे इंट्रोड्यूस टू के बारे में तो चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ जैसे मैंने लिखा तो यहाँ पे जैसे मैं एग्जाम्पल लिखी हूँ लेट ही फर्स्ट इंट्रोड्यूज हिज फ्रेंड टू यू तो यहाँ पे जैसे इंट्रोड्यूस टू का हम किसके साथ लगाते हैं पर्सन के साथ अगर इंट्रोड्यूस टू का यूज आप करें तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे पर्सन का पर्सन के साथ हम इंट्रोड्यूस टू का यूज़ करते हैं आप ये भी बोल सकते हैं कि लेट मी फर्स्ट इंट्रोड्यूज माई फ्रेंड टू यू हम कहीं भी जाते हैं तो जाहिर सी बात है हमारे फ्रेंड्स जो होते हैं हमारे रिलेटिव जो होते हैं हम एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाते हैं तभी तो समझ में आता है कि हाँ ये कौन है कौन नहीं है

मतलब पर्सन के साथ हम इंट्रोड्यूस टू का यूज करते हैं नेक्स्ट हमारा आता है इंट्रोड्यूस इनटू। इंट्रोड्यूस इनटू का हम यूज कहाँ करते हैं ये हम इंट्रोड्यूस इनटू का जहां मेक मोडिफा यानी मेड मोडिफिकेशन के लिए हम इंट्रोड्यूस इंटू का यूज़ करते हैं अब जाहिर सी बात है सब लोग यू की तैयारी कर रहे हैं और यू के सिलेबस में कभी कभी क्या होता है ना कि सिर्फ यू के सिलेबस में कोई भी आप कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे होते हैं या फिर आप जनरली जे, जे, जैसे कि नाइन्थ टू ट्वेल्थ पढ़ लेते तो हमारा सिलेबस क्या होता है चेंज हो जाता है तो यूपीएससी में भी कुछ चीज़ें हट जाती है जैसे कि अभी लॉकडाउन चल रहा था और कोविड नाइन्टीन की वजह से बहुत सारा सिलेबस क्या उनको निकाल दिया गया जैसे सी ने क्या किया कि बहुत ही जितना वो बुक में था थोड़ा कम कर दिया सिलेबस टेंथ और ट्वेल्थ के लिए क्यों क्योंकि पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा और बच्चे इतना समझ में भी नहीं पाएंगे उसी तरह हमारा नेक्स्ट यूपी बोर्ड में भी यही हुआ है कोई uh, अगर हम और भी बोर्ड की बात करें तो उसमें भी वही सेम चीज़ हुआ है तो अगर जहाँ मॉडिफिकेशन की बात हो जैसे मेक मॉडिफिकेशन की बात हो तो वहां पे हम इंट्रोड्यूस इंटू का यूज करते हैं जिससे मैं एक एग्जाम्पल आपको बता रही हूँ कि दू द यू पी एस सी हैज इंट्रोड्यूस्ड मेनी चेंजेस इन टू द सिलेबस ऑफ आई ए एस एग्जामिनेशन द यू पी एस सी हैज इंट्रोड्यूस्ड मेनी चेंजेस इंटू द सिलेबस ऑफ आई एस एग्जामिनेशन यानी यूपीएससी ने क्या किया है कई सारे आईएएस एग्जाम के सिलेबस में चेंजेस किया है तो वहाँ पे अगर मेक मॉडिफिकेशंस आए तो वहाँ पे हम इंट्रोड्यूस के साथ इंटू का यूज़ करेंगे न कि टू का यूज करेंगे नेक्स्ट हमारा आता है इनवॉल्व इन इन्वॉल्व विद इन्वॉल्व एक बहुत ही कॉमन वर्ड है ना हम अक्सर यूज़ करते हैं कि मुझे इसमें इन्वॉल्व मत करो डोंट इन्वॉल्व मी बिकॉज मैं इस मैटर में नहीं हूँ तो इन्वॉल्व जो है बहुत ही कॉमन वर्ड है और हम हमेशा अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं इसे तो जानते हैं कि इनवॉल्व के साथ हम कभी कभी इन्वॉल्व करते हैं और कभी कभी इनका भी यूज करते हैं तो कहां इन्वॉल्व इन यूज किया जाता है और कहाँ इन्वॉल्व विद किया यूज किया जाता है उसके बारे में हम जानते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले इन्वॉल्व इनके in बारे में इन्वॉल्व इन in. जब इन्वॉल्व इनके in बात हो तो इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट थिंग अगर इन्वॉल्व इनकी in बात हो तो हम किसके बारे में बात करें थिंग के बारे में बात कर रहे हो जैसे ही सीम्स टू बी इन्वॉल्व इन सीरियस ट्रबल उसे ऐसा लगता है कि वो कुछ सीरियस परेशानी में को में इन्वॉल्व हो गया तो जो ट्रबल है इट्स लाइक अ थिंग न कि मनुष्य की बात हो रही है न कि मानव की बात हो रही है जैसे इन्वॉल्व इन जिसमें मैंने बोला फिर शेमस टू बी इन्वॉल्व इन सम सीरियस ट्रबल या फिर अब हम जानेंगे इन्वॉल्व तो इट मीन्स की वी आर टॉकिंग अबाउट पर्सन यानी हम पर्सन के बारे में बात करें पर्सन के साथ हम इन्वॉल्व विद का यूज करते हैं बहुत ही कॉमन सेंटेंस हम बोलते हैं डोंट इन्वॉल्व योर सेल्फ विथ सच अनूली पर्सनस डोंट इन्वॉल्व योर सेल्फ विथ सच अनूली पर्सन अपने आप को आप इसमें इस अनूली पर्सन के साथ इन्वॉल्व मत करो तो अगर हम पर्सन के बारे में बात कर रहे हो तो वहाँ पर हम इन्वॉल्व विद यूज़ करते हैं यहाँ तो पे मैंने ये लिख दिया है और अगर वहीं हम थिंक के बारे में बात कर रहे हो तो वहाँ पर हम इन्वॉल्व इनका यूज़ करते हैं नेक्स्ट हम जानते हैं प्रे के बारे में जो कि बहुत ही कॉमन है जाहिर सी बात है सब भगवान से प्रे करते हैं सब दुआ करते हैं तो जानते हैं कि वो प्रे क्या होता है एक प्रे फॉर होता है प्रे फॉर एक होता है प्रे टू अब प्रे फॉर का यूज कहाँ किया जाता है प्रे फॉर का यूज हम थिंक के लिए यूज करते हैं थिंक के लिए यानी किसी चीज के लिए अब वही प्रे टू का यूज हम कहा करते हैं प्रे टू का यूज हम किसके लिए करते हैं मेक प्रेयर मेक प्रेयर समझ नहीं आया चलिए मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ जैसे मैंने बोला जाहिर सी बात है सब हस्बैंड चाहते हैं कि उनकी वाइफ तरक्की करे सब वाइफ चाहते कि उनकी हस्बैंड तरक्की करें और इसलिए हम पूजा पाठ भी बहुत करते हैं बहुत प्रे करते हैं भगवान से तो जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं रखती हूँ आपके सामने जैसे मैंने लिखा अब जाहिर सी बात है आप लोग भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पेरेंट्स भी आपके लिए आपके सक्सेस के लिए प्रार्थना कर रहे होंगे जिनकी शादी शुदा जिंदगी है उनके हस्बैंड या उनकी वाइफ भी उनके लिए प्रे करते होंगे तो जिससे मैं लिख कि माई वाइफ माई वाइफ प्रेड फॉर माई सक्सेस तो यहाँ पे जो सक्सेस है सक्सेस इट्स अ थिंग तो ये हमारा जो प्रे फॉर है तो प्रे फॉर हम किसके लिए यूज करते हैं थिंक के लिए यूज करते हैं है। और प्रे टू किसके लिए यूज करते हैं जैसे मैंने यहाँ बताया कि मेक प्रेयर आई प्रेड टू गॉड टू हेल्प मी इन फेसिंग द अन प्रॉब्लम तो जब हमारा pray टू आए तो इट मीनस हम मेक प्रेयर के लिए यूज़ करते हैं और प्रे फॉर हम थिंक के लिए यूज़ करते हैं सो आज के लिए बस इतना ही अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कॉमेंट करना ना भूलें जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ और हाँ अगर आपके पास कुछ क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं और आप मैरिड टू मैरिड विथ इन सब का भी एग्जांपल दे सकते हैं ठीक है थैंक यू सो मच Good night everyone Shubhratri